विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अरुण व्यास, एसोसिएट प्रोफेसर जियोलॉजी, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना। आज के इस व्याख्यान में मैं आपके साथ जियोलॉजिकल वर्क ऑफ विंड यानी वायु अर्थात पवन के भूवैज्ञानिक कार्य से संबंधित टॉपिक पर दूसरा व्याख्यान, इसका पार्ट टू प्रस्तुत करूंगा। जियोलॉजिकल वर्क ऑफ विंड के पहले व्याख्यान में मैंने आपको फिजिकल एजेंसीज द्वारा प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स पर होने वाले जियोलॉजिकल वर्क्स के बारे में विस्तार से जानकारी दी। फिजिकल एजेंसीज ग्लेशियर, ग्राउंड वाटर, ओशन, रिवर, विंड, ये किस प्रकार से प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स पर काम करती है और जो बड़े खंड होते हैं, चट्टानों के बड़े ब्लॉक्स होते हैं, उनको किस प्रकार से डिसइंटीग्रेशन और डिकम्पोजिशन के मार्फत उनमें इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन का काम होता है, इसके बारे में आपको पहले व्याख्यान में परिचय दिया तथा वायु अर्थात पवन के भूवैज्ञानिक कार्य के जो तीन मुख्य काम होते हैं, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन। पहले व्याख्यान में हमने आपको विंड इरोजन और विंड इरोजन में डिफ्लेशन क्या होता है, एब्रेशन क्या होता है, एट्रिशन क्या होता है और जो दूसरा काम होता है ट्रांसपोर्टेशन बाय विंड, उसमें किस प्रकार से साल्टेशन, सस्पेंशन या क्रीप के द्वारा पवन अपने साथ जो इरोड किया हुआ मटेरियल होता है उसको ट्रांसपोर्ट करती है। ये हमने आपको पहले व्याख्यान में जानकारी दी। विद्यार्थियों, आज के इस व्याख्यान में मैं आपको विंड डिपोजिशन अर्थात वायु या पवन द्वारा निक्षेपण की जो गतिविधि होती है, जो जियोलॉजिकल वर्क होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे तथा जो विंड के जियोलॉजिकल वर्क में जो तीन प्रोसेस हैं, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन, तो उनके मार्फत अपरदन के साथ, परिवहन के साथ और निक्षेपण के साथ जो संरचनाएं बनती हैं उन्हें हम जैसे वातोड़ स्थल रोग या एयोलिन लैंडफॉर्म्स कहते हैं। तो आज के इस व्याख्यान में वायु द्वारा निक्षेपण यानी विंड डिपोजिशन और वातोड़ स्थल रूप में जो वायु अपरदन से निर्मित संरचनाएं होती हैं, यानी जो लैंडफॉर्म्स हैं विंड इरोजन एक्टिविटीज़ के कारण बनते हैं, उसके बारे में हम इस व्याख्यान में चर्चा करेंगे। वायु की गति में बाधा होने के कारण वेग में परिवर्तन के फलस्वरूप परिवहित हो रहे सेल कणों का निक्षेपण प्रारंभ हो जाता है। अर्थात वायु जब प्रारंभ में प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स को इरोजन करती है और इरोडेड मटेरियल को अपने साथ, जब वह खुद ताकतवर स्थिति में होती है तो अपने साथ ट्रांसपोर्ट करती है, लेकिन जब इस वायु की गति में वेग परिवर्तन के कारण कमी आ जाती है या किसी बाधा के कारण उसमें गति में कोई परिवर्तन महसूस होता है, तो जो सेल कणों को जिसको वो कैरी करते हुए आ रही है उनका निक्षेपण प्रारंभ हो जाता है तथा ये निक्षेप वातोड़ निक्षेप या एयोलिन डिपोजिट्स कहलाते हैं। ये निक्षेप वायु के पुनः प्रवाहित होने पर अन्य स्थान को स्थानांतरित हो जाते हैं। इन निक्षेपों में सेल कणों की छटाई को देखा जा सकता है, यानी कि जो मटेरियल या जो लोड ये अपने साथ कैरी करते आ रही है उसकी सॉर्टिंग हो जाती है। इसमें जो भारी कण होते हैं वो पहले डिपॉजिट होना प्रारंभ करते हैं, बाद में जो मीडियम ग्रेन्स के साइज के जो कण होते हैं उनका डिपोजिशन होता है और अंत में फाइन ग्रेन्स जो लोड होता है वो लास्ट में डिपॉजिट होता है।
इन निक्षेपों में सेल कणों की छंटाई को देखा जा सकता है, जो अवसादों के आकार एवं भार के अनुसार कणों में व्यवस्थित होने से होता है। बड़े आकार के व अधिक अपेक्षित घनत्व वाले सेल कण पहले निक्षेपित होते हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया, परंतु अति सूक्ष्म व हल्के कण वायु के साथ बहुत समय अर्थात लंबी दूरी तक तैरते रहते हैं। वह वायुमंडल में ऊंचाई तक उड़ाकर ले जाए जाते हैं और वर्षा होने पर वर्षा जल के साथ पुनः भू सतह पर जमा होते हैं। वायु के वेग में कमी होने पर वायु प्रवाह की दिशा में अवरोध होने पर भू सतह में असमानता वाले क्षेत्रों में वायु प्रवाह के दौरान अनुकूल परिस्थितियों में वायु द्वारा निक्षेपण का कार्य प्रारंभ हो जाता है। वायु जहाँ बह रही है उसमें या तो कोई बाधा आ गई या वेग परिवर्तन के कारण उसकी जो स्पीड है वो कम हो गई, तो उस समय स्थिति में वायु अपने साथ जो लोड कैरी करता है उसका डिपोजिशन प्रारंभ हो जाता है। ये राजस्थान के मैप में आप देख सकते हैं कि ये जो वेस्टर्न राजस्थान का पार्ट है यहाँ डेजर्ट का रेगिस्तान है, और इस डेजर्ट वाले इलाके में जब आंधियाँ चलती हैं तो इस क्षेत्र में इस प्रकार के जियोलॉजिकल वर्क ऑफ विंड के मार्फत इस तरह की एक्टिविटीज़ से कई तरह की संरचनाएँ बनती हैं, और उनमें जो डिपोजिशन का महत्वपूर्ण जो लैंडफॉर्म्स हैं जिसे हम सैंड ड्यून्स या रेतीले टिब्बे कहते हैं मारवाड़ में, जिन्हें हम धोरे बोलते हैं, वो यहाँ प्रमुखता के साथ पाए जाते हैं। वातोड़ स्थल रूप या एयोलियन लैंडफॉर्म्स वायु अर्थात पवन के भूवैज्ञानिक कार्य यथा अपरदन परिवहन और निक्षेपण द्वारा निर्मित स्थल रूप वातोड स्थल रूप कहलाते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्रों में इनकी बहुतायत देखी जा सकती है। प्रमुख वातोड स्थल रूप संरचनाओं की जानकारी इस व्याख्यान में और अगले व्याख्यान में भी दी जाएगी। इस व्याख्यान में हम विंड इरोजन के साथ जो संरचनाएँ बनती है निर्मित होती है अर्थात वायु अपरदन से निर्मित संरचनाएँ, उनके बारे में हम इस व्याख्यान में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जिस संरचना की हम बात कर रहे हैं उसे वायु दृष्टाश्म यानी वेंटिफैक्ट्स कहा जाता है। वायु के एक ही दिशा में प्रवाहित होने पर अपघर्षण के कारण सेल खंडों पर वक्राकार समतल फलकों का निर्माण होता है। तत्पश्चात सेल खंडों के विस्थापन या वायु की दिशा में परिवर्तन उपरांत अपघर्षण से ही दूसरे फलक निर्मित होते हैं। वह प्रक्रिया के जारी रहने पर फलकों का निर्माण होता रहता है, यानी जो सार पेजेज वक्राकार समतल फलकों का निर्माण सेल खंडों पर अपघर्षण के कारण विभिन्न दिशाओं में वायु के प्रवाहित होने से अलग अलग फलकों पर निर्माण कार्य के फलस्वरूप जो संरचना बनती हैं उसे हम वेंटिफैक्ट्स या वायु दृष्टाश्म बोलते हैं। ये फलक एक दूसरे से निश्चित कोण पर मिलकर तीक्ष्ण किनारे बनाते हैं। वायु अपकर्षण द्वारा निर्मित ये फलक वायु दृष्टाश्म या वेंटिफैक्ट्स या ट्राइकांटर कहलाते हैं। कठोर खनिज जैसे कि क्वार्ट्ज की गुटिकाओं यानी क्वार्ट्ज पेबल्स पर इन संरचनाओं को आसानी से देखा जा सकता है। यहाँ इस चित्र में वेंटिफैक्ट्स और ट्राइकेटर्स दोनों में जो परिवर्तन होता है वो यहाँ दिखाए गए हैं। इसमें एक तरफ विंड डायरेक्शन से जो वेंटिफैक्ट्स बनते हैं उसका चित्र है और दूसरी तरफ ट्राइकेटर्स को दिखाया गया है। जो दूसरा स्ट्रक्चर वायु अपरदन के साथ वातोड़ संरचना के रूप में छत्रक या मशरूम, जिसे हम पिठिका सेल या पेडेस्टल रॉक भी बोलते हैं, उसके बारे में जानकारी आपके साथ साझा करूंगा। ये संरचनाएं वायु के खुरचाव नाली निर्माण तथा अवखनन यानी डाउन कटिंग से निर्मित होती है। इस संरचना में आधार पर स्थित एक पतले स्तंभ पर एक सपाट चट्टानी खंड स्थित रहता है। वायु जब किसी क्षेत्र से प्रवाहित होती है और उस क्षेत्र में अगर असमान कठोरता वाली चट्टानों का अवरोध आता है तो नीचे अगर सॉफ्ट रॉक्स हैं तो वायु की जो गति है या उसका जो प्रवाह है
वो नीचे वाली सॉफ्ट चट्टानों को अधिक अपरदित कर देती है और ऊपर जो हार्ड रॉक्स हैं उनका अपरदन कम होता है तो वो स्टैंड गुड रहती हैं। ऐसी अवस्था में नीचे अपरदन हो जाता है, ऊपर के जो स्ट्रेटा है या जो बेड है वो या तो अपरदित नहीं होते या कम अपरदित होते हैं। तो इस कारण से एक ऐसी संरचना बनती है जिसे हम छत्रक या मशरूम बोलते हैं। इस संरचना में आधार पर स्थित एक पतले स्तंभ पर एक सपाट चट्टानी खंड स्थित रहता है। यह प्राकृतिक बनावट श्रृंग कहलाती है। जब मुलायम सेल संस्तर के ऊपर कठोर सेल संस्तर पाए जाते हैं हार्ड रॉक्स, तो भेददर्शी अपरदन यानी डिफ्रेंसिएशन, जो इरोजन में डिफ्रेंसिएशन होता है, भेददर्शी अपरदन के कारण ऊपरी कठोर सेल कम तथा नीचे स्थित मुलायम सेल अपेक्षाकृत अधिक अपरदित होते हैं। वायु की दिशा में भी परिवर्तन होता रहता है, अतः विभिन्न दिशाओं में वायु द्वारा निरंतर अपघर्षण के फलस्वरूप कालांतर में सेल खंडों का निचला स्तर ऊपरी स्तर की अपेक्षा अधिक अपरदित हो जाता है। फलतः विशाल सेल खंड पहले स्तंभ पर आधारित रहते हैं व संकरे स्तंभ के ऊपर चौड़ा समतल सेल खंड विरामित रहता है। ऐसी संरचना को छत्रक या मशरूम अथवा पीठिका सेल यानी पेडेस्टल रॉक कहते हैं। ये आप इस चित्र में देख सकते हैं। यहाँ नीचे ये वाला जो पोर्शन है ये सॉफ्ट रॉक्स का था, तो इस पर वायु अपरदन का प्रभाव ज़्यादा हुआ तो यहाँ इरोजन इस क्षेत्र में ज़्यादा हो गया, जबकि ऊपर वाला जो ब्लॉक था वो हार्ड रॉक्स का था तो अपरदन कम हुआ। इसके फलस्वरूप यहाँ ये इस प्रकार की संरचना बनती है जिसे हम पीठिका सेल बोलते हैं। इसमें आप इस चित्र में देख सकते हैं किस प्रकार से, जैसे ये मशरूम होता है उस तरह से ये सेडिमेंट्री रॉक्स का एक यहाँ चित्र दिखाया गया है। लोअर बेड्स जो है वो सॉफ्ट होने के कारण ज़्यादा अपरदित हो गए और ऊपर जो है वो हार्ड रॉक्स होने के कारण उनका अपरदन कम हुआ। तो इस प्रकार से जो संरचना बनती है उसे हम छत्रक या मशरूम या पेडेस्टल रॉक या पीटिका सेल बोलते हैं। अगला जो स्ट्रक्चर है उसे हम यार्डांग कहते हैं। वायु के सदैव एक ही दिशा में प्रवाहित होने पर यदि उस क्षेत्र विशेष में कठोर व मुलायम सेलों का एकांतर क्रम पट्टियां प्रवाहित वायु के समांतर स्थित होती है तो विचित्र आकार व रूप की दृश्य भूमि का निर्माण होता है। यहाँ जो बेड्स हैं वो अल्टरनेट अवस्था में कठोर मुलायम कठोर मुलायम कठोर मुलायम के सीक्वेंस में मिलते हैं, अतः यहाँ पर ये वायु के समानांतर स्थित होने के कारण वायु का जो इनके ऊपर प्रभाव पड़ता है उससे ये यार्डांग बनते हैं। वायु अपकर्षण के कारण कठोर सेलों के कम अपरदन के फलस्वरूप कटक स्तंभ तथा मुलायम सेलों के अधिक अपरदन के कारण खांच निर्मित हो जाती है। यानी जहाँ हार्ड रॉक्स हैं वो कम अपरदित होंगे तो वहाँ कटक स्तंभ, और जहाँ मुलायम रॉक्स हैं उनका अधिक अपरदन होगा तो वहाँ पर खांच या फरोज या ट्रेंच निर्माण हो जाती है अल्टरनेट अवस्था में। वायु अपकर्षण से क्षेत्र में कठोर सेल स्तंभ की आकृति के शिखर रिज जो होते हैं वो चिकने नुकीले और गोल हो जाते हैं और दो शिखरों के मध्य में अपरदन के ही कारण पतले खांच या फरोज निर्मित होते हैं तथा कालांतर में क्षेत्र विशेष में चट्टानी पसलियों की भांति दृश्य भूमि प्रतीत होती है। इन्हें हम यार्डांग कहते हैं। इनकी ऊंचाई 6.16 मीटर तथा चौड़ाई कई 100 मीटर तक हो सकती है। यहाँ ये इस चित्र में आप देख सकते हैं किस प्रकार का यार्डांग जो है वो दृष्टिगत होता है। अगला जो स्ट्रक्चर है उसे हम द्वीपाप गिरी या इंसलबर्ग बोलते हैं। वायु द्वारा अपघर्षण व अपवाहन द्वारा सेलों के अपरदन हो जाने से शुष्क व अर्ध शुष्क जलवायु वाले उन क्षेत्रों में जहाँ ग्रेनाइट पाई जाती है वहाँ पूरा क्षेत्र समतल मैदान में परिवर्तित हो जाता है तथा इस समतल स्थल पर कहीं कहीं कठोर सेल के छोटे गुंबद के सदृश आकृतियों के छोटे छोटे टीले मरुस्थल के रेत में द्वीप जैसे दिखाई पड़ते हैं। पूरा सैंडी एरिया डेजर्टेड लैंड है और उसमें कहीं कहीं छोटे ऐसे जैसे टापू निकले हुए हों वो दिखाई पड़ते हैं। इनके किनारे खड़ी ढाल युक्त तथा शिखर
गोलाई लिए हुए यानी राउंडनेस के साथ मिलते हैं। इन टीलों को द्वीपापगिरी या इंसलबर्ग कहा जाता है। इंसलबर्ग जर्मनी का एक शब्द है जिसका अर्थ पर्वत द्वीप होता है। तो ये विंड इरोजन के साथ ही पाए जाने वाले इंसलबर्ग, इस चित्र में आप देख सकते हैं किस प्रकार से द्वीपापगिरी इंसलबर्ग दिखाई पड़ते हैं। ये स्केमेटिक डायग्राम है और ये इंसलबर्ग का एक चित्र है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि वायु अपरदन से जो जियोलॉजिकल वर्क के द्वारा संरचनाएं बनती है उन्हें हम वेंटिफैक्ट्स, ट्राइकेंटर्स, मशरूम या पेडस्टल रॉक, यार्डांग और इंसलबर्ग कहते हैं, जिसका कि आज हमने वर्णन इस व्याख्यान में आपके साथ साझा किया। अगले व्याख्यान में आपको वायु के निक्षेपण के साथ निर्मित होने वाली संरचनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। ये जियोलॉजिकल वर्क ऑफ विंड की जो पूरी सीरीज है जो 3 व्याख्यान में आपके साथ साझा की जा रही है, इन व्याख्यानों के साथ ही इन 3 व्याख्यान के पूरे होने पर आपको असेसमेंट भी दिया जाएगा। जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो इन्हीं 3 व्याख्यानों से संबंधित होंगे। ये व्याख्यान राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाने के यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया जा रहा है। 3 सीरीज में ये पूरा होगा और PDF आपके साथ साझा की जा चुकी है। आप इन्हें देखें, सुने, पढ़ें, समझें और जो असेसमेंट में आपको प्रश्न पूछे जाएंगे उनका उत्तर दें, अपने नोट्स बनाएं। COVID-19 के महामारी के इस दौर में जो सरकार की गाइडलाइंस हैं, 2 गज की दूरी हो, मास्क लगाना ज़रूरी है और बार बार सैनिटाइजेशन भी करें, सतर्क रहें, सावधान रहें और घर बैठे अपने अध्ययन को सुचारू रूप से जारी रखें। आज के इस व्याख्यान में जो आपको वायु अपरदन के साथ बनने वाली संरचनाओं के बारे में जानकारी दी गई उसका अध्ययन करें और अगले व्याख्यान में आपको वायु निक्षेपण से संबंधित संरचनाएं जैसे कि लोएस, सैंड ड्यून्स के जो 3 प्रकार होते हैं, लॉन्गिट्यूड सैंड ड्यून्स, ट्रांसवर्स सैंड ड्यून्स या पैराबोलिक सैंड ड्यून्स, बरखांस जिन्हें कहते हैं, उनके बारे में जानकारी आपके साथ साझा की जाएगी।